कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि बेगूसराय के लाल को हरा दे, ये बात हम आपको कह देना चाहते हैं। हम उस खेल में है ही नहीं जिस खेल में हार और जीत होता है, हम उस खेल में हैं जिस खेल में हमेशा जीत ही होता है, हार और जीत नहीं होता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग शोषित हैं, जो लोग कमजोर हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। वो उस लड़ाई में हमेशा जीतते हैं क्योंकि उनके पास हारने के लिए कुछ नहीं होता है। इसीलिए अगर किसी को लगता है कि हम किसी हार और जीत के खेल में हैं, तो वो भ्रम में है। हम किसी हार और जीत के खेल में नहीं है, हम न्याय की लड़ाई में हैं, संघर्ष के पथ पे हैं और अपना मुकाम हम जरूर हासिल करेंगे, ये हमको भरोसा है। ये बेगूसराय की मिट्टी है और बेगूसराय का इतिहास उठा करके देख लीजिए, अंग्रेजों को छट्ठी का दूध का याद दिला दिया था बेगूसराय में। किसी भी जमाने के आंदोलन को आप उठा करके देख लीजिए, बेगूसराय का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें बेगूसराय जिले ने अपना नाम नहीं किया है। लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ है, मुझे इस बात की तकलीफ है कि राष्ट्र कवि दिनकर की इस धरती को इस देश की सरकार ने राष्ट्र विरोधी और देशद्रोही कहने का अपमान किया है। उस अपमान का बदला हम लोगों को लेना है, यह बात हम आपको कहने आए। लोकसभा चुनाव का क्या होगा इससे हमको खासा मतलब नहीं है, हमको इस बात से मतलब है कि जिसने हमारी मिट्टी को अपमानित किया है, उस मिट्टी में हमने अंगद की तरह पांव जमा दिया है और इस सरकार को कह देना चाहते हैं कि आपने एक कन्हैया पे हाथ डाला था तो हमने आपका दांत खट्टा किया है, यहाँ लाखों कन्हैया हैं, हम आपको नष्ट नाबूद कर देंगे, ये हमारा संकल्प है, ये हम आपको कहने आए हैं। इनको लगता है कि पैसे के जोर से, हेलीकॉप्टर के फड़फड़ाहट से और टीवी के शोर से ये हमारी आवाज को दबा देंगे, तो ये भूल में है, ये भूल में है, क्योंकि इनको बेगूसराय का असलियत नहीं मालूम है। किसी भी इंसान को पूछिए जो लोकसभा चुनाव के वक्त आपसे वोट मांगने के लिए आएगा कि शाम हो अकहा कुढ़हा बेगूसराय जिला का हिस्सा है, बेगूसराय जिला का प्रखंड है, बेगूसराय जिला का पंचायत है, सामहो अकहा कुढ़हा के लोगों को बेगूसराय यदि गाड़ी से जाना हो तो 50 किलोमीटर दूसरे जिला का परिक्रमा करके बेगूसराय पहुंचना होगा, यही विकास है। क्यों नहीं चर्चा होती है इस बात पे? हमारे कुछ मित्र आए हुए थे दिल्ली से, उन्होंने कहा कि आज कहां का प्रोग्राम है, हम बोले अंडमान निकोबार जा रहे हैं, तो बोला अंडमान निकोबार कहां से आ गया बेगूसराय जिला में, हम बोले क्या करोगे दोस्त, विकास की ऐसी गाथा रची गई है जिसके हम लोग भुक्त होगी कि बेगूसराय जिला में भी एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कभी यदि सावन में समंदर देखने का मन करे तो गोवा मत जाना, बेगूसराय चले आना, तुमको समंदर दिखा देंगे यहीं पर। दूर दूर तक जलमग्न, चारों तरफ जल और उस बीच में पलती है एक सभ्यता, उस बीच में पलता है एक इतिहास, उस बीच में पलते हैं सपने, उस बीच में रहते हैं लोग, उस बीच में रहती हैं माँ बहनें, उनका होता है दुख तकलीफ। कौन पूछता है इसका, कौन याद आता है? आज हमारे एक साथी जब हम खाना खाने के लिए गए, उन्होंने अशोक दा के घर, उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव से पहले तो सब आता है, चुनाव के बाद कोई नहीं आता है। हम बोलिए देखिए बाबू साहब, सब धन 22 पसेरी नहीं होता है, ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। सब धन इसलिए 22 पसेरी नहीं होता है कि शत्रुघ्न बाबू आते हैं कि नहीं आते हैं, संभव आते हैं ना, आपके भोज में आए थे ना, और किसी के साथ अगर कोई घटना दुर्घटना ब्याह शादी हो जाते हैं नहीं आते हैं, तो शत्रुघ्न बाबू आपके सांसद हैं। सब धन 22 पसेरी नहीं होता है। हुआ ये
कि भात दाल खात खात में लोग मन उबियाए ललका झंडा देखत देखत न लोग मन उबियाए करके कहते आप चाउमीन खेबे चाउमीन मोदी अच्छा खाए ला चाउमीन 5 साल खेल हो चाउमीन हो चाउमीन सब दिन दुनू सांझ नहीं खा सके फिर से ललका झंडा लोग के याद आई तो कि बात हमारा भरोसा है क्योंकि हमारी लड़ाई का जो कमिटमेंट है जो प्रतिबद्धता है वो सत्ता पाने के लिए नहीं है। सत्ता पाने के लिए यदि होता तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक सांसद का हमको पचमहला घर दिखा दीजिए। अगर पचमहला घर होगा तो हम आज आपके सामने में कहते हैं कि पॉलिटिक्स करना छोड़ दें। राजनीति तो वैसे ही नहीं करते हैं, चुनावी राजनीति को एकदम बंद करते हैं। एक हम पचमहला घर बता दीजिए, एक कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक का हमको बता दीजिए कि 5,000 करोड़ का प्रॉपर्टी खड़ा कर लिया। ये सब बात आप लोग नहीं सोचे, हमको काम गिनाने की जरूरत नहीं है। आप इस गांव में रहते हैं, थोड़ा मेहनत करके शिलापट पढ़ लीजिए, लगा हुआ है वसी अहमद का नाम लिखा हुआ है, पी गुप्ता का नाम लिखा हुआ है। कौन थे पी गुप्ता? पी गुप्ता कितना फीस लेते थे? पी गुप्ता 2 रुपया फीस लेते थे, 2 रुपया। आज जाइएगा बेगूसराय नाव टप करके और पता कीजिएगा कि डॉक्टर कितना फीस ले रहा है। इस सच्चाई को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे और कब तक स्वीकार नहीं करेंगे? क्या यह देश हमारा नहीं है? क्या इस देश के प्रति चिंता करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है? और इस देश की चिंता यदि हमको है तब हमको इस देश के सरकार से सवाल पूछना चाहिए। और इस देश की सरकार से सवाल पूछना ही असली देशभक्ति है, यह बात को हमको समझना चाहिए। हमको कोई कहता है देशद्रोही, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूछिए क्यों? हमको इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप बबूर के पेड़ के सामने खड़ा हो जाइए और कहिए कि तरबूज है तरबूज है, तो बबूर तरबूज हो जाएगा। तो जब बबूर तरबूज नहीं हो जाएगा तो किसी के कहने से हम देशद्रोही हो जाएंगे? मैं समझता हूं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं वो देशभक्ति है तो स्वाभाविक रूप से हम जो कर रहे हैं उसको लोग देशद्रोही समझेंगे। अब बात बताओ, जो लोग मोदी को अपना पप्पा मानते हैं, नहीं मेरा पप्पा जैसा भी है, मेरा पप्पा है, तो उसके बेटा के सामने आप उसके बाप का बुराई कीजिएगा तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? उसको तिलमिलाहट होगी कि तिलमिलाहट नहीं होगी? ऐसा नहीं लगता जना कोई नगरीय पर लाइट रख दिलक है नहीं, तो कुतवार के देखो नगरी पर लाइट पर तो कौ 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 कहने भाग तो ओकरा बुरा लगबे ना करते। ओकर तो बस चले दिन दहाड़े हमारा पर गोली चलाए गए, ओकर बसे में चल रहे हैं। क्याकि गोली अगर खाए सीना तैयार हुए तो गोलियों अपन रास्ता बदल के चल जाए, गोली भी अपना रास्ता बदल लेता है। और एक बात जान लीजिए, महाभारत की कहानी में चक्रव्यूह अर्जुन के लिए रचा जाता था, लेकिन चक्रव्यूह को भेदने का काम किसने किया था? अभिमन्यु ने किया था। इस देश का इतिहास हम जानते हैं और इतिहास ये है कि लड़ाई में जीत किसकी होगी ये बाद में पता चलेगा, लेकिन इतिहास उसका लिखा जाता है जिसने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी हो। और हम इस देश में आपके बीच पले बढ़े जो लोग हैं, जो आपके संस्कारों को सीखे हैं, उस संस्कार में हमने यही सीखा है कि सही को सही कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे और मुहे पर कहेंगे। आपको जितना हिम्मत है आप अपनी सारी हिम्मत और ताकत लगा लीजिए, लेकिन आप हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। और जिनको बुरा लगता है उनको बुरा लगने दीजिए, लेकिन एक बात उनको बताइए कि कौन सा सवाल हम नजायज उठा रहे हैं। हम बोले थे कि प्रधानमंत्री आकर के बोले थे कि इस देश के सभी देशवासियों के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। हम बोले थे
कि इस देश के नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। हम बोले थे कि इस देश के गरीबों का अच्छा दिन आएगा। हम बोले थे कि महिलाओं और किसानों के ऊपर अत्याचार बंद हो जाएगा। हम बोले थे कि महंगाई कम कर दी जाएगी। एक काम यदि हुआ हो तो हम प्रधानमंत्री के नाम से ताली बजाने के लिए तैयार हैं। और जब काम नहीं हुआ है तब आप नहीं बोलेंगे कि काम नहीं हुआ है। किसी पंपिंग सेट वाले को आप पैसा दीजिएगा, कहिएगा कि हमारा खेत पटा। जब आइएगा आप देखने के लिए कि आपका खेत नहीं पटा हुआ है तो आप उससे पैसा वापस नहीं मांगिएगा। और जब हम पैसा वापस मांग रहे हैं तो कौन सा अपराध कर रहे हैं? सरकार हम चुनते हैं कि वो हमारा काम करे, और सरकार यदि उस काम को नहीं करे तो क्या सरकार का सवाल नहीं पूछा जाएगा?